हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल बाबा, जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है, ओके. तो वेलकम बैक. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, ओके. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, ये हम लोग का सेकेंड एपिसोड है. और इससे पहले जो प्रीवियस एपिसोड था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है. ठीक है, समझ गया ना? एंड फिर हम लोगों ने दिखा कि साइमल्टेनियस वर्ड से मतलब क्या होता है. पहले हम लोगों ने समझा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल क्या होता है. फिर उसी को हम लोगों ने यूज करके ये समझा, अच्छा तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है वो समझा मैं. ठीक है, ओके. सॉरी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0 एंड दूसरा a2y a2x + b2y + c2 = 0 को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर आपके पास दो इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस. ठीक है, ओके. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रीवियसली वो ये था कि भैया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है. सॉल्यूशन हम लोगों ने वो अच्छे से समझा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है. वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसको अगर हम लोग उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को साथ ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछे कि सॉल्यूशन निकाले कैसे निकाले सॉल्यूशन. आप ये तो बता दिए कि सॉल्यूशन का होता है, पर सॉल्यूशन निकाले कैसे है. फिर हम लोगों ने वहां पे बोला था कि सॉल्यूशन निकालने का दो तरीका है, एक ग्राफिकली प्लॉट करके, दूसरा एल्जेब्रिकली. और एल्जेब्रिक का भी तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. इसको हम लोग कमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे. अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, मेन मेरा पहला आइडिया है वो ग्राफिकली हम लोग इस पर फोकस करना चाहते हैं कि अरे दो इक्वेशन दिया हुआ है, हम ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग ये समझना चाहते हैं. ठीक है, ओके. ये सब प्रीवियस एपिसोड में था. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा प्रीवियस एपिसोड तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर आईबॉल लिंक में यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो. ठीक है, पर देख लेना, समझ में आ जाएगा बेसिकली सब कुछ. ठीक है, ओके. हम लोग को पढ़ना है ग्राफिकली, पहले पढ़ना है. ठीक है, अब ग्राफिकली पढ़ने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज पहले से तो आना चाहिए ना. और वो क्या है, ग्राफिकली पढ़ने के लिए आपको, सिंस अभी ऑब्वियसली अगर आप एपिसोड देख रहे हो क्लास 10 में हो गए, तो आपको क्लास 9 का जो हम लोग का बेसिक्स है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे हम लोग ने सीखा कि ग्राफ का जरूरत क्या है, ग्राफ कैसे बनाते हैं. ठीक है, और इसमें हम लोगों ने सीखा कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए. तो ये ग्राफिकली वाला एस्पेक्ट समझने के लिए हम ट्राई करेंगे जितना बता सके, पर आपको ये दोनों आना चाहिए अच्छे से. ठीक है, अगर आपने देखा है तो, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आपको फिर से वही आईबॉल लिंक में जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये 9 का. आप प्लीज उसको पहले देख लो अच्छे से और अच्छा समझ में आएगा. ठीक है, क्लियर है? तो ये था सब चीज हम लोग का, कि हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. ठीक है, ओके. तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं. आप चाहो तो उसको कॉपी कर सकते हो स्टोरी लाइन को, या फिर कोई जरूरत नहीं है. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. ओके, चलिए हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को ग्राफिकल अप्रोच पढ़ना है. GRAPHICAL, ग्राफिकल अप्रोच, ROACH. ठीक है, अब हम लोग को जब ग्राफिकल अप्रोच पढ़ना है तो भैया हम लोग को तो ग्राफ के बारे में सब इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर सिंस अब इसको पढ़े हुए एक साल बीत चुका है आपको, तो हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझा देते हैं कि एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर. ठीक है,
मान लीजिए आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल ए, क्या है एक लीनियर इक्वेशन है, क्या है मान लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे इसका ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अब मुझे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाते थे हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसमें से y को सब्जेक्ट बनाते थे, तो which implies y क्या हो जाएगा, y is equals to 3 minus 2x, ठीक है, हमने y को सब्जेक्ट बना दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंस हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है तो मिनिमम मुझे दो पॉइंट चाहिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x का वैल्यू चूज करते हैं, खुद से चूज कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं पहले, अगर x 0 है तो 0 into 2 0, 3 minus 0 3, इसी प्लस y का वैल्यू हो जाएगा 3, such that मेरे को एक पॉइंट मिलेगा a, मान लीजिए 0, 3, पहले हम लोग x लिखते हैं फिर बाद में y लिखते हैं, ये हो गया 0, 3। अब सिमिलरली आपको मिनिमम एक और पॉइंट चाहिए, आप क्या ले सकते हो, आप यहाँ पर ना कुछ भी ले सकते हो, हम ना माइनस वन ले रहे हैं, x इक्वल्स टू माइनस वन, अगर x माइनस वन है तो 2 इंटू माइनस वन माइनस टू, सामने नेगेटिव साइन प्लस 2 5, y हो जाएगा 5, तो यहां से मुझे एक और पॉइंट मिल जाएगा जो है b माइनस 1, 5, तो आपको मिनिमम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, अगर आप चाहते हो कि हम ग्राफ बनाएं इसका, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, तो मिनिमम मुझे दो पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, बस यही है, आपको दो पॉइंट्स मिल गया, अब तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने तो आपको आता ही है, ठीक है, दो पॉइंट्स मिल गए ए और बी, अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये रहा मेरा ग्राफ, ये दो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, साफ सीधा नहीं बना होगा पर कोई बात नहीं छोड़ो उसको, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, आप लोग इसको ग्राफ पेपर में बनाइएगा, ब्लैंक पेज पे आप लोग मत बनाइएगा, मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है इसीलिए हम नहीं बना पा रहे हैं, ये नेगेटिव साइड ये पॉजिटिव साइड, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव साइड, और जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, ठीक है। अब मान लीजिए अब क्या करना, स्केलिंग करना पड़ेगा मुझे, अब स्केलिंग CALING स्केलिंग करना है मुझे, स्केलिंग मतलब क्या होता है कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 1 1 1, मतलब कि हम ये बोलना चाहते हैं, आप जब ग्राफ देखोगे वहां पे एक छोटा सा बॉक्स होता है ना, इतना छोटा छोटा बॉक्स एकदम छोटा वाला नहीं थोड़ा बड़ा, वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो स्केलिंग मतलब होता है कि आप ये 1 सेंटीमीटर को कितना अज्यूम करोगे, आप जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसको कितना अज्यूम करोगे उसको बोलते हैं स्केलिंग। ओके, फॉर एक्स एक्सिस हम बोल सकते हैं मुझे क्या चाहिए, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए एक्स का 0 and -1, तो हम 1 यूनिट लेते हैं फॉर एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ही ले रहा है, ठीक है। एंड फॉर y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना ले रहा हूं, मुझे मैक्सिमम 5 चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5 मिल गया मुझे, कोई बात नहीं है, हम ले सकते हैं 1 यूनिट। ये जो हमने अज्यूम किया कि जो x एक्सिस के अलोंग 1 सेंटीमीटर है उसको हम 1 यूनिट अज्यूम करेंगे, एंड y एक्सिस के अलोंग जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है उसको हम 1 यूनिट अज्यूम करेंगे, इसी को बोलते हैं स्केलिंग। क्लियर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बस आपके पास दो लिख दो, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, इधर से -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आपका ग्राफ बन के रेडी है और आपको बस इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहला पॉइंट है ए 0, 3, 0, 3 मतलब एक्स पर 0, वाई पर 3, एक्स पर 0, वाई पर 3, तो यहां पर कहीं लाई करेगा, ये है वो पॉइंट ए।
दूसरा क्या है माइनस वन कॉमा फाइव, मतलब x x इज इक्वल माइनस वन और फिर फाइव, ये रहा यहाँ पर ये वन और माइनस वन, अरे x एक्सिस पर माइनस वन माइनस वन, y पर फाइव प्लस फाइव, यहाँ पर तो यहाँ पर कहीं होगा ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया a क्या है जीरो कॉमा थ्री, और ये पॉइंट है b कितना माइनस वन कॉमा फाइव। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली एक सेकेंड मुझे स्केल लाने दीजिए, अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स है ए और बी, आपको इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, आपको इसको बस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। और ये जो आपको मिला ये क्या है एक्चुअली में, जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन क्या है टू वाई सॉरी टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, ये इक्वेशन है आपका। तो फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक सेकेंड मुझे पेन चेंज कर दीजिए प्लीज, अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, ये क्या है एक्चुअली में, ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो थोड़ा बहुत मेहनत करके पॉइंट्स निकाल के ग्राफ बना के हम इस इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सच दैट ये जितना भी पॉइंट्स होगा ना इस पर, ये भी तो एक पॉइंट है, कितना पॉइंट होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकता है, सच दैट, अच्छा लिख देते हैं अपन, सो वी सी दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट जीएचटी एज स्ट्रेट लाइन ग्राफ such that every point on the line is a solution of the linear equation in two वेरिएबल, दिखाई दे रहा ना, चलो हाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब फाइनली क्या समझे हम लोग, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो हम उसको एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन। और कितना पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है, which implies a single linear equation in two variable can have infinite many solutions। क्यों इनफाइनाइट, क्योंकि अरे भैया ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर तो कितना सारा भी पॉइंट्स हम अज्यूम कर सकते हैं, हजारों लाखों गुना पॉइंट्स अज्यूम कर सकते हैं, ये तो लाइन ऐसे जाएगा, इसका तो कोई एंडिंग नहीं है लाइन का, तो लाइन सिर्फ इतना छोटा नहीं है, ये तो पूरा बढ़ता जाएगा, ऐसे जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी,
कोई अंत नहीं है स्ट्रेट लाइन का, इसका मतलब हुआ कि इस लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ये इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन टू रियल इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। चलिए बहुत हो गया, अब आप उसको ऐसे कॉपी करके समझ लीजिए, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। ओके, तो फिर हम लोगों ने एक लीनियर इक्वेशन का बात कर लिया, अब क्या, अब ये व्हेन वी have a set of two linear equations in two variable, अगर एक equation है तो कोई बात नहीं, हो गया। अब अगर दो equation है तो set of two, two linear equations है, कितना है two, ठीक है। अगर टू लीनियर इक्वेशंस है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं वी विल गेट टू स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सीधी बात, नो बकवास, अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो मुझे एक लाइन मिलेगा, अगर दो है तो क्या होगा, दो लाइंस मिलेगा, सिंपल, ठीक है। एंड कैन हैव थ्री पॉसिबिलिटीज, स्ट्रेट, वी कैन गेट टू स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज। मतलब कि यहां पे दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो मिलेगा ही, पर इसका तीन पॉसिबिलिटी है कि वो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो कैसा हो सकता है। हम लोग को दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, इतना कोई डाउट नहीं है, पर इसमें तीन डेविएशंस हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखते हैं हम लोग। पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है सिंपली, अच्छा वो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक दो तीन, ठीक है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, पहला पार्ट ये हो सकता है कि अगर ये मेरा ग्राफ है, अगर ये ग्राफ है, ठीक है, नामकरण नहीं कर रहे हैं हम, वो सब है, ऐसा हो सकता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ग्राफ ऐसे बना, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना एंड ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है एक इक्वेशन का, ये एक स्ट्रेट लाइन है एक इक्वेशन का, तो यहां पे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, LINES, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि ये एक दूसरे को मीट कर रहा है एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। ये सिंगल पॉइंट क्या है, इसको नाम दीजिए कुछ भी, इसको नाम दीजिए पी, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए एक्स कॉमा वाई, निकाल सकते हैं हम उसका कोऑर्डिनेट को, ठीक है, ओके। अब दूसरा केस अज्यूम करते हैं, पहले फिर से बात करेंगे हम लोग। दूसरा केस ये हो सकता है कि, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका ये एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, पहला इक्वेशन का इसका ये ग्राफ बना है, ठीक है, और ये देखा गया कि भैया जो दूसरा इक्वेशन है ना, जब उसका ग्राफ बनाया गया तो देखा गया कि ये भी इसी के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब कि दोनों, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, और यहां क्या है, यही लाइन इक्वेशन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड यही लाइन इक्वेशन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप मुझे बोलोगे ऐसा थोड़ी ना होगा भैया, कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हो सकता है, हम दिखाएंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन, दो इक्वेशन था जो दोनों इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जा रहा है, मतलब ये एक लाइन था और दूसरा लाइन इसी के आगे ओवरलैप कर गया, हो सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स, को
इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। एंड एक और पॉसिबिलिटी है कि ये कि अगर हमने ये ग्राफ बना दिया, स्केलिंग कर दिया, तो देखा गया कि भैया जो दोनों लाइन आया है ना, ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, कि दोनों ये इक्वेशन वन पकड़ लीजिए, ये इक्वेशन टू पकड़ लीजिए, मतलब कि दोनों पैरेलल है। पैरेलल है मतलब पैरेलल का मतलब ये हुआ कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, कभी एक दूसरे को परेशान नहीं करता, वो लोग दोनों साथ साथ चलते हैं हमेशा, ना ये इसको कुछ बोलेगा ना ये इसको कुछ बोलेगा, तो दोनों खुश खुश एकदम खुश है, ठीक है। मतलब ये दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं, ऐसा लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस, PARALLEL, पैरेलल लाइंस, सही है। ये तीनों कुछ वन टू थ्री गेट ऑन द डांस फ्लोर, वन टू थ्री, ये तीन पॉसिबिलिटीज बस हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। एक तो ये कि दोनों इंटरसेक्ट कर गया, एक तो ये कि दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, या फिर कभी एक दूसरे को हाई बोल ही नहीं पाया ये लोग, कितना मुश्किल ढूंढ लिया, ठीक है। अब आइए आते हैं कि इस इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हुआ, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या हुआ, एंड पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ, ये समझते हैं हम लोग। देखिए पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हुआ कि दे विल मीट एट वन पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कलर चेंज करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दे विल मीट एट वन पॉइंट, ध्यान रखिए आप, दे विल मीट एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, इफ दे विल मीट एट वन पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट पी अज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है। दे मीट एट वन पॉइंट से पी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं P इज अ पॉइंट ऑन इक्वेशन वन, ध्यान सुनेगा इसको, बहुत ध्यान सुनेगा, P इज अ पॉइंट ऑफ इक्वेशन वन, ठीक है। P इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन लाइन ऑफ इक्वेशन टू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, P इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन ऑल्सो, P इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू ऑल्सो, समझ में आया क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहा। अरे भैया अभी तो बताए हम आपको, दिखाई दे रहा ना, हाँ दिखाई तो दे रहा है, बहुत बोल्ड दिखाई दे रहा है, क्या बात है आज तो, ठीक है कोई बात नहीं है। चलिए पॉइंट पी, मतलब कि पी लाइज ऑन इक्वेशन वन, इसका मतलब क्या हुआ, पी इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन टू इक्वेशन वन, ठीक है। ऑल्सो पी लाइज ऑन इक्वेशन वन, लाइज ऑन इक्वेशन टू, विच इंप्लाइज पी इज अ सॉल्यूशन टू इक्वेशन टू। अब पी एक जो पॉइंट है वो इक्वेशन वन का भी सॉल्यूशन है, इक्वेशन टू का भी सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, बोल सकते हैं विच इंप्लाइज पी एक्स कॉमा वाई इज अ कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन टू इक्वेशन वन एंड टू, मतलब यही मेरा दिस इज द साइमल्टेनियस, ये सॉल्यूशन है ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, इज द कॉमन सॉल्यूशन, मतलब कि ये मेरा जो पॉइंट है वो है सॉल्यूशन ऑफ द दोनों इक्वेशन का, बस हो गया। और यहाँ पे कितना सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, देखिए सिंस एक ही सोल्यूशन मिल रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे एक ही सोल्यूशन मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही सोल्यूशन मिल रहा है मुझे, इसलिए बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक पॉइंट पे मीट करता है तो एक ही सोल्यूशन होगा, और उसको बोलते हैं
यूनिक सोल्यूशन, यूनिक यूनिक एक ही सोल्यूशन, ठीक है ना, ठीक सर? हाँ ठीक है, कुछ सेंस बन जाएगा आपको समझ के। और यहाँ पे मुझे एक लाइन बनाना पड़ेगा सर। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है, देखिए ना कि अगर ये एक पॉइंट है, 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 क्या बोले हम, अगर जो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, एवरी पॉइंट लाइज ऑन इक्वेशन ऑफ लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन वन एंड स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन टू। ठीक है, इसका मतलब जो भी पॉइंट इक्वेशन वन पे लाई करेगा वो इक्वेशन टू को भी सेटिस्फाई करेगा, जो भी पॉइंट इक्वेशन टू को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट इक्वेशन वन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब बोल सकते हैं हम यहां पर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन टू इक्वेशन वन एंड टू, विच इंप्लाइज इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, एक ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी, 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 इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है। देखो कोइंसिडेंट लाइंस कैन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, मतलब कि बस हम लोग ये बात का ध्यान रख रहे हैं ना कि एवरी पॉइंट ऑन अ लाइन इज अ सॉल्यूशन, एवरी पॉइंट इन अ लाइन इज अ सॉल्यूशन, पर ये एक पॉइंट पे मीट कर रहा है और ये पॉइंट दोनों इक्वेशन को कॉमन है, ये कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं यहां पे यूनिक सॉल्यूशन है। पर जब कोइंसिडेंट लाइन है, ये जो पॉइंट इस लाइन पर है वो सेम पॉइंट इस लाइन को भी, इस लाइन पर भी है, क्योंकि दोनों इसे ओवरलैप कर गया, तो क्या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो फाइनली पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है बेचारा कभी मीट नहीं करेगा, अब कभी मीट नहीं करेगा तो क्या हुआ, ये पॉइंट का सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है, एनी पॉइंट ऑन दिस इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू, पर दोनों तो कभी मीट किया ही नहीं है, मतलब दे हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, सिंस दे नेवर मीट, सिंस दे नेवर मीट दे हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, दे हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास पैरेलल लाइंस है देन द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। बस फाइनली वी आर डन विद दिस, आई होप आपको कुछ तो समझ में आया कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक लाइन बना सकते हैं हम लोग, तो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो लाइंस बना सकते हैं हम लोग ग्राफ में, और जब ग्राफ में बना के उसको प्लॉट कर दें हम लोग तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है। अगर क्या है, पहला क्या है, पहला है कि वो इंटरसेक्ट करेगा, एक वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एंड एक और चीज दिखाई दे रहा है यहां पर, हाँ दिखाई दे रहा है, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हम लोग बोलते हैं उसको, कहां लिखे अब हम, अच्छा ठीक है हम लिखते हैं बार, ओके। और यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि अगर मेरे पास कोइंसिडेंट लाइंस है तो उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, पर अगर पैरेलल लाइंस है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तो कभी मीट ही नहीं करेगा, ठीक है। एंड 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 प्लीज 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 नोटिस दिस 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 दिस, अगर दोनों इक्वेशंस का, अगर ये दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल है, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उस टाइप का इक्वेशंस को बोलते हैं, अगर सॉल्यूशंस पॉसिबल है तो उस टाइप का इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट
इक्वेशंस, ठीक है, कब, जब सॉल्यूशंस पॉसिबल है, चाहे वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो, भैया सॉल्यूशन तो पॉसिबल है ना, सॉल्यूशन तो पॉसिबल है, उस टाइप का इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस है, ठीक है। पर अगर ऐसा इक्वेशन जहां पे लाइंस पैरेलल आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशंस, नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशंस। देखिए आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, पॉज करके आप उसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए। अच्छा अच्छा एक और चीज, हम देखो आपको जब नो सॉल्यूशन पॉसिबल है तो बोलता है नॉन कंसिस्टेंट, या फिर कोई कोई बुक में मेनली बोलता है वो लोग इनकंसिस्टेंट, बेटर वर्ड है इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। नॉन कंसिस्टेंट बहुत जगह यूज नहीं करता है, फिर बोलता भी नहीं होगा लोग, पर इनकंसिस्टेंट ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ओके तो चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना दिया है, और ये फ्लो चार्ट कुछ ऐसे बात करता है, बोलता है कि भैया भैया दो इक्वेशन है, इक्वेशन वन एंड टू, ओके दो इक्वेशन है, बहुत बढ़िया। तो ये दो इक्वेशन इधर कंसिस्टेंट हो सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट मतलब हुआ कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाफ सॉल्यूशन का दो केसेस हो सकता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होता है, जब कोइंसिडेंट लाइन हो, एंड नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल लाइंस हो। जो हम लोग बस पढ़े उसको हम ट्राई किया एक फ्लो चार्ट में आपको समझा देने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको कॉपी करके नोट्स बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। तो चलिए अब भैया मैथ्स पढ़ लिए, कितना थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी कराइए। तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन क्या पढ़ा है, बोला है फॉर्म अ ग्राफ फॉर द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फॉर द सेट मतलब दो, एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। एक बात पहले बोलना जरूरी है कि ग्राफ लिए हो आप लोग, ग्राफ है ना बगल में, ग्राफ बगल में रखिएगा तभी कर पाएंगे, मजा आएगा। नहीं तो ग्राफ नहीं, आप क्या ब्लैंक पेपर पे करोगे, हम तो ब्लैंक पेपर पे करेंगे, आप क्या ब्लैंक पेपर पे करोगे। ग्राफ बगल में रखिएगा पहले, ठीक है, अगर नहीं है तो पॉज करके ग्राफ लेके आओ, फिर साथ में शुरू करते हैं, ठीक है। ओके तो चलिए इस सिंपल सा क्वेश्चन है, हाई फाई कुछ नहीं है, दो इक्वेशन है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू दिया हुआ है आपको, ठीक है, और बोला है इन दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाओ। जो चीज हम लोग एक इक्वेशन के लिए करते हैं, दो इक्वेशन के लिए करना कौन सा बड़ा बात है, देखिए क्या होगा। देखिए अच्छा फॉर इक्वेशन वन क्या है, x माइनस फोर वाई प्लस 14 इक्वल टू जीरो, आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन क्या है, x माइनस फोर वाई प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। तो काम क्या है आपका, आपको y को सब्जेक्ट बनाना है, तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप चाहो तो इसको इधर भेज सकते हो, इसको इधर भेज सकते हो, या फिर ये माइनस फोर वाई को डायरेक्टली इधर ला दो, क्या हो जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 4y, इसका मतलब 4y इज इक्वल टू ये, तो y क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाई 4, विच इंप्लाइज डायरेक्टली अगर हम बस हैंड्स चेंज कर दें तो y इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 14, हमने बस इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा और कुछ नहीं, ठीक है। ओके अब प्लीज ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको x का ऐसा वैल्यू चूज करना है ताकि y का वैल्यू ला सके आप, ठीक है। पर याद रखिए हम लोग को तो ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो हम x का ऐसा वैल्यू चूज करेंगे ताकि मेरा जो आंसर आए वो भी इंटीजर्स आए। देखिए ये डिवाइडेड बाई 4 है, मतलब अगर ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर मल्टीपल ऑफ 4 हुआ तब अच्छा होगा ना। तो देखिए हम 2 ले रहे हैं, 2 क्यों, 2 लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16/4। लेट x इज इक्वल टू 2, अगर x का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 14 16, 16 डिवाइड बाई 4 y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ओके लेट
एक्स इज इक्वल्स क्या ले लें हम, माइनस टू ले लेते हैं हम, क्यों देखिए क्या होगा, अगर हम x को माइनस टू लेते हैं, माइनस टू प्लस फोर्टीन प्लस ट्वेल्व और प्लस ट्वेल्व डिवाइड बाई फोर थ्री, तो सच दैट आपको एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिला ए जो होगा टू कॉमा फोर और एक पॉइंट मिला बी जो होगा माइनस टू कॉमा थ्री, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए मुझे दो पॉइंट्स मिला, एक है ए 2.4 और दूसरा है b -2.3, सही है, सही है। तो अब आप ये सेम चीज इक्वेशन 2 के लिए करो, एंड प्लीज हम फिर से पॉइंट आउट करना चाहेंगे, आप x का कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है, पर हम लोग को तो ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो हम लोग को तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो x और y का वैल्यूज आए इंटीजर्स हो। फायदा क्या है कि जब इंटीजर्स होगा तो प्लॉटिंग करने में आसानी होगा ना मुझे, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे तो बस थोड़ा ऑब्जर्व किए इक्वेशन को, देखने से लगा कि अरे भैया नीचे 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मुझे x का वैल्यूज ऐसा चूज करना पड़ेगा ताकि ये फैक्टर मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए, ताकि जब डिवाइड करे तो इंटीजर आ जाए, समझ में आया। अब ये सेम चीज आप इक्वेशन 2 ट्राई करो, तो एक बार पॉज करके फिर आप ट्राई करना मैच करने का, ठीक है। फॉर इक्वेशन 2 क्या है, है 3x plus 2y minus 14 is equals to 0। अब सिंस y टर्म पॉजिटिव है तो हम इसको इधर रखेंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2y is equals to minus है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y हो जाएगा हाफ ऑफ 14 minus 3x, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि अगर हम इसको मल्टीपल ऑफ 2 रखें तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो पहले अगर हम x 0 लेंगे तो 14 हो जाएगा, करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0, अगर x का वैल्यू 0 है तो ये पार्ट वैनिश हो जाएगा, 14 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 7, एक पॉइंट मिल जाएगा मेरे को, इसको क्या नाम दे, ए ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसको पी यूज करेंगे, पी 0.7, ठीक है, ओके। अब क्या किया जाए, ये इवन है, इसको भी इवन करना पड़ेगा मुझे, तो हम इसको मान लीजिए 2 करते हैं, अगर x 2 हो जाएगा तो देखिए 2 into 3 6, 14 minus 6 8, 8 divided by 2 4, ठीक है ना, 2 into 3 6, 14 minus 6 8, 8 divided by 2 4, such that मुझे एक और पॉइंट मिल जाएगा q जो हो जाएगा 2.4, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं 2.4, ठीक है। तो यहां से मुझे दो पॉइंट्स मिल गया, एक है p 0.7 और एक है q 2.4, ठीक है, सही है। चलो आहा, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया हम लोग के लिए। अब हम लोग को बस इक्वेशन को प्लॉट करना है, प्लॉट करना है मतलब मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बना दीजिए, आपके पास ग्राफ पेपर है ना, तो पहले आप बीच में दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस नाम दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस नाम दीजिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस नाम दीजिए, ये हो गया पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड को डैश से, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड को थोड़ा सा डैश देके, अरे ओरिजिन है मतलब 0.0, ठीक है। नोटिस करो x का मैक्सिमम वैल्यू 2 जा रहा है और माइनस 2, कोई बात नहीं, हो गया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इधर क्या है 4 7, इधर हो गया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, नहीं हो रहा, मुझे 7 चाहिए, तो मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, 1 2 4 5 6 7, नहीं समझ आया आपको, देखो क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड मिटाना चाहिए, हाँ देखो अब आपको अच्छे समझ में आएगा स्केलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, अब आपको समझ में आएगा कि स्केलिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता
है। देखिए ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर 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 ठीक है। आपको ग्राफ दिया होगा ऐसा कुछ, ठीक है ओके। अब अगर हम स्केलिंग करना चाहें, स्केलिंग करते हैं पहले, स्केलिंग लिखते हैं स्केलिंग SCALING स्केलिंग ठीक है। स्केलिंग करने के लिए फॉर एक्स एक्सिस देखिए मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम टू मिनिमम टू चाहिए, तो हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 ठीक है ठीक है। पर अगर हम स्केलिंग के नाम पर अगर वाई एक्सिस को हम ऐसे पकड़े 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, अगर हम ये पकड़ लें तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। पर मुझे कहां तक जाना था, मुझे 7 तक जाना है, इसलिए प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए स्केलिंग करना पड़ता है हम लोग को। और स्केलिंग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर चाहे तो मुझे 7 चाहिए ना, तो हम 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट लेंगे। इसका मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर है ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 6 एंड ये 8, तो 7 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ये हो गया 2 -2 -4 -6 -8। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहां पर हम लोग को स्केलिंग का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है कि अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर करके लेते हैं तो फिर तो ये जो नंबर 7 है इसको हम ग्राफ में अकोमोडेट ही नहीं करा पाते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा स्केलिंग करना पड़ा है। और जब आप एग्जाम जब आप सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को तो आपको स्केलिंग लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है। तो चलिए प्लॉट करते हैं, पहला पॉइंट क्या है, पहले इसको प्लॉट करते हैं इक्वेशन 1 को, 2, 4 मतलब x का 2 y का 4 यहाँ पर होगा, ये 2 ये 4 यहाँ पर भी होगा, ये का 2 का ठीक है a पॉइंट है ठीक है ओके। -2, 3 कहाँ है, इस ये 2 है, आपको y के 3 चाहिए, 3 कहाँ पर होगा, 2 और 4 का बीच में होगा, यहाँ पर नहीं होगा 3, तो मुझे चाहिए -2, 3 ये हो गया -2 ये हो गया 3, यहाँ पर कहीं आएगा ऐसे, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं, इस पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को बोल 2, 3 ना 4, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं B, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं B ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली अब इन दोनों को, दो पॉइंट्स मिल गया, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, बस इन दोनों को बस आप ज्वाइन कर दो, ये आपका इक्वेशन बन गया, ये आपका इक्वेशन ऐसे बन गया, ये ठीक है समझ में आया। ये आपका जो स्ट्रेट लाइन बना है ये है इक्वेशन, इसके लिए किसके लिए, x -4y + 14 = 0 ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये सेम चीज हम लोग इक्वेशन 2 के लिए करेंगे, पहला पॉइंट क्या है 0, 7 मतलब x एक्सिस की तरफ मूव नहीं किया है, y में 7 ये 6 है, इन दोनों के बीच का 7 होगा, मतलब ये होगा आपका पॉइंट P, ये पॉइंट होगा आपका P, और Q चाहिए, Q है 2, 4 फिर से 2, 4 मतलब फिर से ये पॉइंट भी Q है, ये पॉइंट ही Q है, इसका मतलब देखिए ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉइंट ओवरलैप कर गया, कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पॉइंट ओवरलैप कर गया है, आप इसको ज्वाइन कर दो इसको, तो ये हो गया ऐसे, ये इक्वेशन है वो किसके लिए है, वो है इक्वेशन 2 जो है 3x + 2y - 14 = 0 ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाने के बाद देखो बोला है डिटरमाइन द नेचर, नेचर ऑफ इक्वेशन क्या है, ये लाइंस कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग मतलब सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, हियर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग
each other at the point kitna is point pe kitna is point 2.4 at the point 2.4 theek hai therefore it has a unique solution and the equations are consistent and the equations are consistent ठीक है देखिए समझ में आया कि नहीं आपको उसके बाद ठीक है देखो इसको पॉज करके आप लोग समझ लीजिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर बी सेम क्वेश्चन है बस इक्वेशन अलग है कहानी वही है और कुछ डिफरेंस नहीं है ये मान लीजिए इक्वेशन वन है ये इक्वेशन टू है फिर से आप वही करोगे पहले दो पॉइंट निकालिए फॉर इक्वेशन वन क्या है 2x + 3y = 10 अगर ये है हम बोल सकते हैं 3y = 10 - 2x which implies y = 1/3 × 10 - 2x ठीक है अब नोटिस कीजिए y क्या है एक्चुअली में दिस डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि ये जो ब्रैकेट अगर हम चाहते हैं y का वैल्यू इंटीजर आए इसका मतलब जो ब्रैकेट में टर्म होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए ठीक है ना तो चलिए अब देखिए अगर हम लेट x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं x का वैल्यू हम -1 ले लेते हैं अगर x का वैल्यू अगर हम -1 ले क्या हो जाएगा 2 × -1 - 2 -± +2 10 + 2 = 12 और 12/3 y का वैल्यू हो जाएगा 4 व्हिच इंप्लाइज एक पॉइंट मिल जाएगा a -1, 4 समझ में आया हमने x का वैल्यू ऐसा चूज किया ताकि y का वैल्यू इंटीजर आ जाए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहना पड़ेगा बार बार अब हम क्या ले रहे हम चाहते हैं ये मल्टीपल ऑफ 2 आए तो हमने इसको 12 ला दिया अब हम क्या ला सकते हैं इसको इसको अगर हम चाहें तो 18 ला सकते हैं 18 तो बहुत ज़्यादा कम करते उसको हम क्या लाते हैं हम इसको 6 लाते हैं 6 तो हम अगर x का वैल्यू 2 ले लें अगर x का वैल्यू 2 लें तो y कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 10 - 4 = 6 2 सिंपल दूसरा पॉइंट एक मिल गया 2, 2 तो फाइनली इस इक्वेशन के लिए मुझे दो पॉइंट्स मिल गया a -1, 4 एंड b 2, 2 ठीक है एंड सिमिलरली हम सेम चीज करना पड़ेगा मुझे दूसरा इक्वेशन के लिए भी इक्वेशन टू के लिए दूसरा सेम चीज करो क्या है यहाँ पर 4x + 6y = 12 तो 6y हो जाएगा 12 - 4x तो y हो जाएगा 6/12 - 4x ठीक है ये 6 से डिवाइड करना है मतलब ऊपर मल्टीपल ऑफ 12 इसको जीरो करते हैं लेट x इक्वल्स टू 0 अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा 4 × 0 = 0 12 - 0 = 12 12/6 = 2 सो y इज इक्वल्स टू सच दैट एक पॉइंट मिल जाएगा p 0, 2 ठीक है एंड सिमिलरली लेट और क्या ले लें हम 12 आ गया ना 12 अगर आ गया है तो हम क्या ला सकते हैं और मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए मुझे तो 6 12 ला दिए हैं या फिर क्या लाए हम 18 ला पाएंगे 18 तो नहीं ला पाएंगे पर हम वो ला देंगे अगर हम x का वैल्यू 3 ले लें अगर x का वैल्यू 3 ले हम अगर x का वैल्यू 3 ले तो 12 × 3 = 12 12 − 12 = 0 तो y वैल्यू 0 हो जाएगा एक पॉइंट आ जाएगा q 3, 0 कोई बात नहीं अच्छा पॉइंट मिल गया आपको एक पॉइंट आया p 0, 2 और एक आया q 3, 0 ठीक है ओके तो चलिए अब नोटिस करो आप तो आपका x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है -1, 2, 0, 3 मतलब कि अगर ये ग्राफ आपके पास ऑलरेडी है हम पहले से बना कर रखे हैं ताकि मेरे को सुविधा हो ठीक है ओके अब देखो यहाँ पे 1 cm को हम क्या पकड़ लें
अगर हम वन यूनिट भी लेते हैं तभी मेरा काम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम तीन तक जाना है और मिनिमम वन तक जाना है, तो हो जाएगा क्योंकि वन टू थ्री फोर, थ्री तो मिली है मुझे, फाइव भी है, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। हमने ये जो ब्लू लाइंस बना के रखा ना यहाँ पर, आपके ग्राफ में ये बोल्ड ग्रीन लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस वन सेंटीमीटर है, ठीक है? ओके, अब y एक्सिस का स्केलिंग करते हैं। y एक्सिस में मुझे मैक्सिमम फोर तक जाना है और मिनिमम टू, मिनिमम जीरो ही है, कोई बात नहीं है, फोर तक मिल जाएगा मुझे, वन टू थ्री फोर, हाँ मिल जा रहा है, मिल जा रहा है ना, हाँ मिल जा रहा है, ये हो गया वन टू थ्री फोर, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है? अब आपके पास दो पॉइंट्स प्लॉट करना है, बस ये ग्राफ बन के तैयार हो गया, अब आपको बस प्लॉट करना है। चलिए प्लॉट करते हैं, एक्स है माइनस वन कॉमा फोर, मतलब माइनस वन कॉमा फोर यहां पर आ गया, ठीक है? एक पॉइंट टू कॉमा टू, ये हो गया टू कॉमा टू, टू कॉमा टू यहां पर कहीं आएगा, ठीक है? ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है? आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट्स को अपना स्केल लीजिए और इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से आप अच्छे से ज्वाइन कर दीजिए। ये एक लाइन हो गया, ठीक है? ये एक लाइन बन गया आपका। अब आप क्या करो, अब आप सिमिलरली सेकेंड इसको हम प्लॉट कर दिया और इसका नाम लिखता है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है? And similarly, हम लोग second point plot करते हैं, P and Q, 0, 2 है, 0, 2, 0, 2, 0, 2, ये रहा 0, 2, ठीक है? और एक है 3, 0, ये रहा एक, ठीक है? ये हो गया P, ये हो गया Q, अब आप इन दोनों को join कर दो, इन दोनों को अगर आप join करते हो, तो कैसा मिलेगा? बना नहीं मेरा, कुछ गलती हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत एरर हुआ है पर कोई नहीं, आप अपना ठीक से बनाना, ठीक है? तो एक्चुअली में जो लाइंस बनेगा ना वो पैरेलल बनना चाहिए था, मेरा एकदम अप टू डेट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरा स्केलिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इतना तो मुझे आप माफ कर दोगे, पर आंसर पैरेलल होगा, ठीक है? इसका मतलब ये कौन सा लाइन बना, ये रैंक बना, ये क्वेश्चन का 4x plus 6y is equals to 12, ये एक इक्वेशन का एक लाइन, ये एक इक्वेशन का एक लाइन, और देखा जा रहा है कि दोनों लाइंस पैरेलल है। अब अगर दोनों लाइंस पैरेलल है, हियर द टू लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल है मतलब विल हैव नो सॉल्यूशन, विल हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है? And we'll have no solution, मतलब equations are inconsistent, consistent, ठीक है? ये हो गया हम लोग का एक और example, ठीक है? आप ये भी one unit था मेरा, scaling बहुत important है, scaling आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया आपका second question number B का solution, देख लीजिए आप इसको अच्छे से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, फिर से वही है, दो इक्वेशन है, दोनों का ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ पहले से बनाया रखा, ठीक है? और आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो गया, पैरेलल्स हो गया, तो बचा क्या, कोइंसिडेंट, आंसर कोइंसिडेंट ही होगा, ठीक है? चलो बस इसको एक्सप्लिसिटली सॉल्व करके समझते हैं कैसे होता है ये चीज, ठीक है? ठीक है, फॉर इक्वेशन वन, फॉर इक्वेशन जल्दी करेंगे हम, एकदम इक्वेशन वन क्या है, 2x plus 5y is equals to 16, यहां से y हो जाएगा 1 by 5 into 16 minus 2x, ठीक है? ओके, अगर ये हो गया आपको चाहिए नीचे मल्टीपल ऑफ, ऊपर चाहिए मल्टीपल ऑफ 5, तो हमको 6 हटाना पड़ेगा, तो हम ले रहे हैं x को 3, लेट x is equals to 3, अगर x 3 है तो 2 into 3 6, 16 minus 6 10, 10 by 2 5,
एक पॉइंट मिल जाएगा ए 3.2। अब एक और पॉइंट चाहिए मुझे, हम बोल रहे हैं लेट x इक्वल्स, क्या ले हम x को, क्या ले, क्या ले, का ले भैया बताओ जल्दी से का ले। अरे 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 ले लो ना, माइनस टू ले लो, माइनस टू क्यों, माइनस टू है यहाँ पर, तो टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस, 16 प्लस फोर 20, 20 बाई फोर, सो 20 बाई फाइव फोर। दूसरा पॉइंट मिल गया बी माइनस टू कॉमा फोर, तैयार सही है, एकदम तैयार। इस पॉइंट का मिल जाएगा एक पॉइंट है ए 3.2 एंड दूसरा पॉइंट है बी माइनस टू कॉमा फोर, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। चलो इक्वेशन वन हो गया मतलब, अब हम लोग इक्वेशन टू को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन टू भी बहुत सिंपल है, क्या है 3x प्लस 15 बाई 2 y इज इक्वल टू 24। अरे बाप रे बाप, ये तो नीचे दे दिया है, एलसीएम कर देगा पहले, कर देगा एलसीएम, हुआ एलसीएम हुआ, कर देते हैं, ठीक रहेगा भैया, ठीक रहेगा भैया, एलसीएम कर देते हैं, हो जाएगा 2 6x प्लस 15 y इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, वन है, ऐसे जाएगा जाएगा, मतलब ये जाएगा 6x प्लस 15 y इज इक्वल टू 48। यहाँ से y क्या बन जाएगा, y हो जाएगा 48 माइनस 6x बाई 15, ठीक है। वाह ये तो बड़ी झंझट वाली चीज़ में फंस गए थे हम तो, बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल हो गया, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम 48 ठीक है, 6x 48 ठीक है, मतलब कि फाइनली आपका इक्वेशन बन गया है y इज इक्वल्स टू, क्या बना इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 1/15 बिलो 15 48 माइनस 6x, ठीक है भैया, ठीक है, कोनो बात नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा नंबर चूज करना पड़ा ताकि वाई इंटीजर आ जाए, क्या ले हम इसमें 42 में 12, अरे वाह आ गया, अगर हम एक्स को, अरे झंझट में फंस गए हम तो, लग रहा है हमको, क्या लिया जाए भैया, अरे क्या करें, वो फंस गए, अगर एक्स को माइनस टू लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, माइनस टू 6 प्लस 12 60 बाई 15 4, पीछे पे एक पॉइंट मिल जाएगा p जो है माइनस 2.4, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या ले हम 48 है 30 ला सकते कैसे 3, अगर x का वैल्यू अगर हम 3 लें तो y का वैल्यू कितना आएगा 6 इंटू 3 18, 48 माइनस 18 30 बाई 15 2, तो इसमें एक नया पॉइंट बन जाएगा q 3.2, क्या बना पॉइंट p माइनस 2.4 और q 3.2। अब आप देख के शॉक हो जाओगे कि देखो ना भैया ये दोनों पॉइंट्स सेम ही आया है, अब दोनों पॉइंट्स अगर सेम आया है तो कोई इंसिडेंट तो होना ही है, अगर दोनों पॉइंट सेम आ चुका है क्या कर सकते हैं हम लोग, 3.4 स्केलिंग करते पहले हम, मैक्सिमम फोर ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले ले रहे हैं, यहाँ भी इसको 1 यूनिट ले ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 विद नेगेटिव साइन, सॉरी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट क्या है a 3.2, a और q सेम है 3.2, ये 3 ये 2 ये हो गया 3.2, ये पॉइंट a भी है ये पॉइंट q भी है, -2.4 यहां पर कहीं होगा, ये पॉइंट b भी है एंड ये पॉइंट p भी है, ठीक है। अब क्या, अब बस इन दोनों को आप सिंपली ज्वाइन कर दो, अगर आप ज्वाइन करोगे तो यही इक्वेशन है आपका, कौन सा, ऊपर वाला भी 2x प्लस
5y equals to 16 और यही equation है नीचे वाला भी 3x plus 15 by 2 y is equal to 24. देखिए ये दोनों equation आया, मतलब कि क्या है, अगर आप चाहो तो फिर से एक और line बनाओ संतुष्टि के लिए. मतलब कि दोनों lines coincident है यहाँ पर. Here the lines are coincident. अब अगर coincident है मतलब कितना solutions होगा? Infinite many solutions. अब infinite solutions है मतलब equations are consistent. Equations are consistent. Finally. फाइनली हम लोग ने क्या किया कि हम लोगों ने सारा टाइप के एग्जांपल सॉल्व कर दिया. ठीक है, अब यहां से एक और प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, वो ये होगा कि आपको ये इक्वेशन नहीं दिया रहेगा तो भैया ग्राफ कैसे बनाएंगे. पॉइंट है बात में, आपको क्या दिया रहेगा, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा. ठीक है, एक उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये इक्वेशंस बनाना पड़ेगा एंड फिर उसको प्लॉट करना पड़ेगा. समझ में आया क्या बोले हम? यहां पर इक्वेशंस दिया था हमने, डायरेक्टली प्लॉट करना सिखाया आपको, पर आपको एक और टाइप का क्वेश्चन दे सकता है ग्राफ के बेसिस पे कि आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ के खुद से इक्वेशंस बनाना पड़ेगा. उस टाइप का प्रॉब्लम्स को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. तो हम लोग आप लोग सीख जाओगे बाद में करते करते. ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है जी, आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. टिल देन बी सेफ बी जॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.